हाय दोस्तों, ये LG का रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर मॉडल जो कि आज हम इसको बनाने वाले नॉन इन्वर्टर। दोस्तों पीछे बताना चाहूँगा थोड़ा सा आपको मैं, ये देखिए इसकी हालत, जो कि हमारे पास PCP भी नहीं है इसका और कंप्रेसर भी जा चुका है इसका। तो दोस्तों आज आप दोस्तों इसका कंप्रेसर भी हमको चेंज करना है और कंप्रेसर कौन सा बढ़ता है इसको। और दोस्तों ये देखिए सामने भी फैन मोटर इसका 12 वैट में फैन मोटर आता है दोस्तों इसका, जो कि हमको लगाना पड़ेगा जो 220 पे चलता है वो। और एक बात दोस्तों, टेम्परेचर भी पीछे नीचे बिठाना पड़ेगा जो कि पहले कंपनी ने किट में दिया करता है इसको, ये देखिए यहाँ पे। तो इसको थर्मोस्टेट भी हमको बिठाना है, थर्मोस्टेट किस तरह से बिठाना है वो भी बताऊंगा आज आपको मैं। और इसका ये देखिए दोस्तों, LED भी 12 वाट पे ही चालू होता है, वो 12 वाट के लिए भी क्या लगाना चाहिए आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो हमने दोस्तों 57 कंप्रेसर निकाला हुआ है इसको लगाने के लिए, जो कि इसका चिट्टी निकल चुका है लेकिन 57 का ही है दोस्तों ये। उसके बाद हम ये कंप्रेसर निकालेंगे, उसके बाद ही आपको वायरिंग किस तरह से करना है वो भी बताएंगे। पहले बिठाएंगे हम कंप्रेसर। तो ये देखिए दोस्तों, काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने ड्रायर भी नहीं चेंज किया हुआ है, सिर्फ डिस्चार्ज और सक्शन ही मारा हुआ है, बस डायरेक्ट वैक्यूम पे लगाया हुआ है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको 10 मिनट के बाद गैस भी डालेंगे, उसके बाद वायरिंग किस तरह से करना है वायरिंग भी बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, हम पहले इसका फैन मोटर चेंज करेंगे जो कि LG का पुराना है हमारे पास। पहले इसको खोलेंगे, किस तरह से फिट करना है वो भी देखेंगे इसको। इसका फैन मोटर खोलेंगे दोस्तों हम।
ये देखिए दोस्तों, 220 मोटर हमने इसको बिठा चुके हैं, क्योंकि एलजी का रहने की वजह से दोस्तों हमको बहुत आसान हुआ है काम। नहीं तो एलजी का मोटर नहीं होता तो बहुत एडजस्ट करना पड़ता था इसको। ये देखिए दोस्तों, हमने जो कंप्रेसर चेंज किया था ना, इसके लाइन भी पूरे आ चुके हैं, देख सकते हैं। लास्ट फिल्टर तक देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फिल्टर आया तो फिल्टर से ही पीछे रिटर्न जाता है। बस फिल्टर देख लिया, कंफर्म हो गया कि पूरा लाइन आ चुका है। तो दोस्तों अभी चालू करेंगे हम वायरिंग का काम। वायरिंग किस तरह से करना होगा वो भी बताएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको मारा हुआ है पहले सुराख, उसके बाद डालेंगे चार वायर। ये देखिए दोस्तों, हमको पहले लेना है चार वायर, जो कि कलर अलग अलग लेना है, ताकि हमको टाइमर में बिठाने के लिए थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि सेम लेने से दोस्तों क्या होता है, कन्फ्यूज़ होता है, इसीलिए हमने अलग अलग लिया है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हम लगाएंगे पहले रेड कलर का लगाएंगे दोस्तों, एक बाईमेटल के साथ। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों आपको, क्योंकि नहीं तो बाद में फिर कन्फ्यूज़ होगा। एक बाईमेटल का है और एक रेड कलर का है दोस्तों, उसको हमको जॉइंट मारना है और सीधा डायरेक्ट टेप लगाना है। तो दोस्तों उसके बाद सेकेंड लेना है हमको ग्रीन वायर, जो कि बचा हुआ है बाईमेटल का, बाईमेटल और फ्यूज को इस तरह से जॉइंट करना है। और एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, एक बाईमेटल और एक फ्यूज, उसको जॉइंट कर लेना है। उसके बाद ग्रीन वायर को जॉइंट करना है इस तरह से, और इसको भी हमको टेप मार लेना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दो वायर तो हो चुके हैं, बाईमेटल का भी कंप्लीट हो चुका है, और भी बचा हुआ है फ्यूज़ का। हमको लेना है दोस्तों एक फ्यूज़ का और एक ये हीटर का, ये दोनों को जॉइंट करना है आपस में। जॉइंट करके दोस्तों इसको टेप ही मारना है, क्योंकि इसका काम खलास हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, सिर्फ दो वायर ही बचा हुआ है हमारे पास ब्लैक वाला, जो कि एक बचा हुआ हीटर का। उसके बाद हम इसको कनेक्शन देंगे एक हीटर के साथ फैन मोटर, और एक डायरेक्ट लगाएंगे फैन को। एक हीटर का लगेगा दोस्तों उसको, और एक ब्लैक जो बाहर से आ रहा है वो लगेगा इस तरह से। दोस्तों अभी बचा हुआ है हमारे पास लास्ट वायर, जो कि डायरेक्ट फैन मोटर को ही लगाना है हमको इस तरह से। फैन मोटर का एक सिंगल ही आएगा दोस्तों, उसको दूसरा वायर नहीं जॉइंट होगा। ये देखिए दोस्तों, हमने बिठा रहे हैं इसको थर्मोसेट, जो कि नीचे वाला कवर है ये। इसको इसलिए यहाँ पे बिठा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ही मिल रहा है उसका सही साइज, और इसका जो बिल्लो है, ये बिल्लो यहाँ पर आना ज़रूरी है, क्योंकि इधर उधर नहीं बिठा सकते हैं, नहीं तो कूलिंग में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने थर्मोसेट बिठाया है। अभी अभी हम इसको देखेंगे सामने से। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे इस तरह से। थर्मोस्टेट तो हमारा बिठाना हो चुका है दोस्तों, अभी हम बिठा रहे हैं इसका कवर। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बिठाने वाले हैं स्विच, जो कि कंपनी ने यहाँ पे दिया था सेंसर, तो इसको भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि स्विच बिठाना पड़ेगा। उसके बाद एलईडी का है दोस्तों, एलईडी के लिए भी पीछे वायर ढूंढना पड़ेगा उसका, कंपनी ने कौन सा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी हम करेंगे टाइमर की वायरिंग, और उसको लगाते हैं दोस्तों। ये बाईमेटल का है रेड, जो कि लगाना है हमको दो नंबर,
तरह से। फिर दोस्तों और एक आता है ग्रीन कलर का, ये देखिए ग्रीन कलर का, जो कि हमको बिठाना एक नंबर पर। ये देखिए दोस्तों, हमने ये ब्लैक वाला जो दिया था सिंगल फैन को ही गया है, दूसरा इसके साथ वायर नहीं जुड़ा हुआ था। इसको हम देंगे कंप्रेसर के साथ, जो कि हमने यहाँ पे कंप्रेसर से ही लिया हुआ है। एक कंप्रेसर का आना चाहिए दोस्तों, और एक ऊपर से ब्लैक, और ये सीधा डायरेक्ट जाएगा चार नंबर। तो अभी बचा हुआ है दोस्तों उसमें से एक क्लिप, जो कि हम बिठाएंगे यहाँ पे थर्मोसेट तीन नंबर। तो दोस्तों इसका तो पूरा हो चुका है, अभी हमारे पास कौन सा बचा हुआ है दोस्तों? एक बचा हुआ है कंप्रेसर का वायर, और एक बचा हुआ है ये ब्लैक वाला, जो कि हीटर के साथ और फैन के साथ आया हुआ है। उसके बाद मेन कोड बचा हुआ है दोस्तों, हम पहले मेन कोड का देंगे थर्मोस्टेट को, जो कि एक थर्मोस्टेट का यहाँ पे बैठा हुआ है, और एक थर्मोस्टेट का मेन कोड को लगाएंगे सीधा डायरेक्ट इस तरह से। देखिए दोस्तों, अभी बचा है हमारे पास एक कंप्रेसर का लास्ट वाला, और एक ये ऊपर का जो आता है ब्लैक वाला फैन और हीटर आता है, और एक मेन कोड वायर का किधर है, हाँ ये वाला ले लो, ये है। तो दोस्तों भाई हमारा यहाँ पे वायरिंग ख़त्म पे है, उसके बाद सीधा डायरेक्ट हमारे को भी लगाना है। तो हमारा वायरिंग यहाँ पे कंप्रेसर का और फैन मोटर का पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी हमको वायरिंग करना है LED की, उसके बाद काम पूरा फाइनल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने LED के दो और स्विच के दो वायर भी निकाले हैं, जो कि इसी में से आते हैं दोस्तों। ये है LED के और ये है स्विच के। तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक LED का और एक स्विच का लेके जेड मारेंगे इसको। फिर दोस्तों ये जो दो बस्ते हैं ना, इसको हम एक चौक लगाएंगे 9 वाट का, जो कि 12 वाट की LED आती है दोस्तों, 9 वाट का ये है दोस्तों। ये लगाओ इसको भी जेंट। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको कॉमन बनाया हुआ है ये वाला, इसको छोड़ दो, अभी ये दो चौक से ही लगाना पड़ेगा इसको, क्योंकि 12 वाट की LED है। तो अभी हम दोस्तों उसको टेप मारेंगे, पहले इसको टेप मारो, उसके बाद वो कनेक्शन किधर देना वो भी बताएंगे। ये दोस्तों अभी हम मारने वाले हैं फाइनल जेंट, जो कि इसके चौक के बचे हुए हैं, जो कि आपको डायरेक्ट मेन कोड वायर में ही देना है दोस्तों इस तरह से। उसको भी जेंट दो, उसको भी मारो पहले। अच्छे से मारना है दोस्तों इसको, ये देखिए दोस्तों हमारा काम तो पूरा फाइनल हो चुका है। अभी हम डालेंगे इसका बटन, फिर चालू करके देखेंगे। हाँ, तो कंप्रेसर तो चालू हो चुका है दोस्तों, अभी इसके अंदर हम चेक करेंगे क्या फैन मोटर फिर रहा है या नहीं, क्योंकि सब चेक करना ज़रूरी है दोस्तों वायरिंग के बाद। ये देखिए दोस्तों, फैन भी फिर रहा है, और हम नीचे चेक करेंगे, LED भी आना चाहिए इसका। ये देखिए दोस्तों, LED भी आ रहा है इसका, LED भी हो चुका है, जो कि यहाँ पे सेंसर था, हमने स्विच बिठाया हुआ। ये देखिए बंद चालू भी हो रहा है। तो हमने यहाँ पे थर्मोस्टेट भी बिठाया हुआ है इस तरह से। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ।